गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनविष्टमे स्थापितं येन भूतलै स्वयं रूप नामयम् ददाति स्वपुदन्तम् वन्दे हम श्री गुरु श्री ऊतापन गमलम् श्री गुरुं वैष्णवान् श्री रूपं सागरजातम सहगना रघुनाथं वितमं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण से गण ललिता श्री विशाखाता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन जगत पते जगतपते गो गोपीश कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभासुते दिवी प्रणमा हरी प्रिवां छपत कृपा सिंधु पतिता पावने वैष्णवभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिंद श्री अन्वैतको हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण प्रिश्न भक्ताय नमः हरे mm. कृष्ण सभी भक्तों का माताओं का बालकों का हार्दिक अभिनंदन mm. स्वागत है गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए हम लोग चैतन्य शिक्षा कम की चर्चा कर रहे थे चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या मधु जीवनम आनंदामं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय से भगवान श्री कृष्ण को गाना है जैसे भी हो संसार में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखने की चेष्टा करनी है ये इनके इन प्रकार भगवान श्री कृष्ण का गायन किया जाए बस जैसे तैसे करके गाते रहे बस गाने से क्या होगा बोले सात फल दे देगा हमें ये कृष्णा कौन कौन से चित्त रूपी दर्पण को मार्जन कर देगा जो कि अभी हम विचेतस पड़े हुए विचेतस मतलब चित्त हमारा अपनी स्थिति में नहीं चित्त हमारा अपनी स्थिति में नहीं विचेत अर्थात अपनी स्थिति से अलग है क्या इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए इसका अर्थ लेना चाहिए जो चित्त का कार्य है क्या चित्त का कार्य है चीजों को प्रतिफलित करना चीजों को दिखा देना कोई भी उसके नजदीक वस्तु जाए क्योंकि चित्त एक दर्पण है उस दर्पण में कोई भी चीज देखी जाए तो उस चीज को दिखाना उसका काम है लेकिन आज वो अपने काम से हट गया है क्यों हट गया है और वो दिखाने का काम नहीं कर रहा है, है सबके हृदय में बिना चित्त से तो हमारी सत्ता की शुरुआत ही नहीं हो सकती लेकिन आज वो हो गया है अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश जो कि मुख्य अविद्या के पांच तत्व है इस इसने मिट्टी की तरह हमारे चित्त को ढक दिया है हम जीवन में अपने चित्त से अगर कार्य लेना चाहते हैं तो उसको फंक्शनल बनाना पड़ेगा कैसे फंक्शनल बना सकते हैं हमारे बस की बात नहीं केवल भगवान का नाम भगवान के नाम से चित्त शुद्ध हो जाएगा एक और चीज ध्यान रखना चाहिए हमको कि जो चित्त शुद्ध है ये शुद्ध भक्तों का हमेशा ही रहता है शुद्ध भक्तों का हमेशा मतलब जिनके हृदय में हाँ प्रेमा भक्ति जागृत हो गई है जिनको उत्तम भक्त कहते हैं कनिष्ठ भी शुद्ध भक्त हो सकता है अपने स्तर पर मध्यम भी शुद्ध भक्त हो सकता है अपने स्तर पर लेकिन जो उत्तम कोटि का वैष्णव है वो सर्वोत्तम स्तर पर है इसलिए उससे कभी जीवन में कोई पाप कर्म बन ही नहीं सकता वो कभी करेगा ही नहीं कभी हो ही नहीं सकता उससे जो कुछ भी होगा सब कुछ दिव्य स्तर पर होगा लेकिन हम ऐसे शुद्ध भक्तों को नहीं पहचान सकते अभी जैसे सुभद्रा अर्जुन की ओर आकर्षित हो गई तो सुभद्रा साधारण स्त्री नहीं है संसार के जैसे या अर्जुन सुभद्रा की ओर आकर्षित हो गए तो अर्जुन साधारण पुरुष नहीं है वो कैसे भक्त हैं बोले वो भगवान के परिकर हैं भगवान के परिकरों को हमें समझना चाहिए कि वो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए उनके हर कार्य होते हैं अभी देखा जाए तो ये तो काम है संसारी दृष्टि से लेकिन भगवान ने इसमें उल्टी सहायता किया अर्जुन की भी सहायता किया और सुभद्रा की भी सहायता किया कैसी विचित्र बात है बोले राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा लेकिन यहाँ तो भगवानी उल्टी सहायता कर रहे हैं काम को तृप्त करने की वो भी वैधानिक रीति से विवाह नहीं हुआ क्योंकि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होने जा रहा था दाऊ जी महाराज दुर्योधन को प्यार करते थे देखो दाऊ जी बोले दाऊ जी होकर के दुर्योधन को क्यों प्रेम कर रहे हैं कृष्ण प्रेम नहीं करते दुर्योधन को लेकिन दाऊ जी प्रेम करते दुर्योधन को हालांकि कृष्ण भी प्रेम कर सकते हैं क्यों संबंधी है आखिर में दुर्योधन कौन सा संबंध है बोले भैया कृष्ण दुर्योधन के संबंधी हैं संबंधी समझते हैं कृष्ण के बेटे सांब की जो बहू है लक्ष्मणा वो दुर्योधन की बेटी है सगी बेटी है दुर्योधन की तो इस नाते से देखा जाए तो कृष्ण भी रिश्तेदार हैं दुर्योधन और कृष्ण दोनों ही समझी हैं <laughs> इतना क्लोज रिश्ता है देखा जाए तो लेकिन भगवान वहां समधिवाद नहीं देख रहे हैं भगवान उनसे प्रेम नहीं करते जबकि दुर्योधन से दाऊजी प्रेम करते हैं जबकि दाऊजी स्वयं श्री कृष्ण ही है एक प्रकार से देखा जाए तो लेकिन दाऊजी दाऊजी रूप रूप में में प्रेम प्रेम बोले कैसे करते हैं क्योंकि है दुर्योधन, दुर्योधन उनका शिष्य बना हुआ है और दुर्योधन जैसे शिष्य भी जब गुरु का आश्रय लेते हैं तो गुरुदेव का कर्तव्य हो जाता है कि वो शिष्यों को प्यार करते है। अगर सच्चे गुरु होंगे तो तो दाऊ जी गुरु के प्रतिनिधि हैं तो गुरु का प्रतिनिधित्व करने के कारण दुर्योधन जैसे शिष्यों से प्यार कर रहे हैं और को उनके साथ विवाह कराना चाहते हैं आशीर्वाद देना चाहते हैं देखो जैसे गुरु जी मेरे से प्यार करते हैं जबकि मैं दुर्योधन जैसा शिष्य हूँ लेकिन फिर भी गुरुदेव मेरे से प्रेम करते दुष्टता में कमी नहीं रखता बार 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 आ भक्तों से भेदभाव करना भक्तों के प्रति ईर्षा करना ये हृदय में भरा पड़ा है लेकिन फिर भी गुरुदेव प्यार करते ही रहता है त्यागते नहीं दुर्योधन को भी दाऊजी ने त्यागा नहीं तो कृष्ण को ये पता चल गया इधर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त होते हैं ये हम कभी नहीं बोलना चाहिए तो उत्तम कोटि के भक्त हैं अर्जुन और उत्तम कोटि की भक्त हैं सुभद्रा तो उत्तम कोटि में संसारी काम नहीं होता कोई सोचे कि संसारी कामना के कारण वो आकर्षित हो रहे हैं या संसारी कामना के कारण अर्जुन उनकी ओर आकर्षित हो रहा है नहीं केवल शुद्ध भक्ति ही आकर्षित करती है शुद्ध भक्तों के जीवन में और कोई कारण शुद्ध भक्तों को आग कर उनके अंदर तो काम होता ही नहीं कृष्ण नहीं चाहते कि दुर्योधन के पास जाएं। तो कृष्ण ने क्या प्लान किया कि एक काम करो तुम भगा ले जाओ अब देखो संसारी से किसी लड़की को भगाना बोले तुम इनको भगा ले जाओ कितना बड़ा पाप है और भगवान स्वयं ही उस पाप का अनुमोदन कर रहे हैं संसारी दृष्टि से देखा तुम भगा ले जाओ लेकिन क्या योजना भगवान ने बनाया कि बाद में कहा कि रुको जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना रथ को सुभद्रा ने चलाना है रथ अर्जुन नहीं हाकेंगे रथ सुभद्रा चलाएगी तो रथ को सुभद्रा चला रहे और ले करके चले गए अब जैसे ही दाऊजी महाराज को पता चला बलराम जी को पता चला बोले इतना बड़ा दुस्साहस अर्जुन का ये गुरुवंशी अपने आप को समझते क्या है? हमारी द्वारका का अपमान कर दिया द्वारका की ईट ईट का अपमान कर दिया द्वारका के पत्ते का भी अपमान हम सहन नहीं कर सकते द्वारिका नगरी हमारी अजय नगरी है और यहाँ से हमारे घर से हमारी बहन को अपहरण करके ले गया तो राहुल जी महाराज ने सीधा हल उठा लिया और हल उठा करके सोचा तो आज मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं और निकलने लगे जैसे निकलने लगे दाऊजी महाराज ठाकुर जी आ गए दाऊ भैया कहाँ जा रहे हो अकेले मैं भी साथ में चलता हूँ अरे मेरे को सूचना मिली है कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है क्योंकि ये सूचना शकुनी के दूतों ने देती थी शकुनु के दूत लगे रहते थे वो चाहते थे दुर्योधन से विवाह हो जाए और कम से कम दाऊजी तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे <laughs> लेकिन भगवान अपने भक्तों से कैसा प्यार करते हैं क्या हुआ कि उन्होंने जैसे दाऊ जी को सुना तो बोले मैं भी चलता हूँ आपके साथ लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ अब तुम बीच में नहीं आना कृष्ण तो दाऊ जी को कृष्ण कहते मैं बीच में तो नहीं आऊंगा लेकिन एक मेरे मन में प्रश्न है बोले क्या प्रश्न है बोले अपहरण किसने किसका किया है बोले अपहरण अर्जुन ने किया है सुभद्रा के हेवी को पूछने वाली बात है कृष्ण तुम तो ऐसे ऊट पटांग प्रश्न मत करो अरे मैं कोई ऐसा मन में शंका है मेरी तो बस मैं चाह रहा हूँ द्वारपालों से पूछ लिया जाए कि भाई अपहरण जिसने किया है वो रथ हाँक करके लेके जा रहा होगा बोले बिल्कुल सही बात है अर्जुन ही रथ हाँक के लेके जा रहा होगा फिर तो और सुभद्रा चिल्ला रही होगी कि मेरे को बचाओ 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 तो चलो देख लेते पूछ लेते जैसे ही पूछने के लिए द्वारपालों से पूछा गया कृष्ण पूछे कि हमारे दाऊ जी महाराज इस द्वारिका नगरी के एक प्रकार से राजा हैं कि रथ को हाक कौन रहा था तब दूत बोले हाक तो सुभद्रा रही थी देखा दाऊ भैया अब तो अपहरण करता अर्जुन नहीं है अपहरण करता सुभद्रा है और उसने अर्जुन का अपहरण किया है अवश्य दंड दिया जाना चाहिए अपहरण करता को आपका हल तो अमोग है कि खाली तो जाएगा नहीं लेकिन अब ये चलाना पड़ेगा आपको सुभद्रा के ऊपर <laughs> अर्जुन के ऊपर नहीं चला सकते आप देखो भगवान का भक्तों के प्रति कैसा प्रेम होता है अर्जुन से भगवान की प्यार कर रहे हैं और सुभद्रा के ऊपर कैसे चलाएंगे सुभद्रा तो उनकी बहन है तो ठाकुर जी ने दाऊ जी ने अपना हल जो है शांत कर लिया और हल को रख अमोघ हल होते हुए भी उस अमोघ हल को उन्होंने रख लिया मैं ये बात क्यों कह रहा था मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि जिनका जीवन उत्तम कोटि के वैष्णव इसके स्तर पर है लोगों से कभी कर्म बन ही नहीं सकता और जिन लोगों का जीवन किसी वैष्णवता में प्रवेश ही नहीं किया है बोले तो उनसे तो हर कार्य पाप में होता है और हम लोग जो इस भक्ति मार्ग में थोड़े से जुड़े हुए हैं जैसे आप लोग पूरी तरह से जुड़े हुए हैं मैं भी आप लोगों के माध्यम से थोड़ा हरी चर्चा में जुड़ जाता हूं तो मैं भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूं आपके बराबर तो नहीं हम लोगों का जीवन कैसा है बोले ना तो उत्तम कोटि के वैष्णव है ना ही घोर पापी है राक्षस है हम कैसी कैटेगरी में बीच में है तो बीच में जीवन होने के कारण हमसे क्या होता है जैसे लोमड़ी अंदर से कभी कभी झांक करके दिन में देखो है तो नहीं फिर अंदर घुस जाती है फिर बाहर आकर के देखो है तो नहीं फिर अंदर घुस जाती है और जैसे उसको अंधेरा दिखता है या कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता तो अपना निकल करके अपना काम कर लेती है ऐसे हमारे हृदय से पाप अंदर से झांक-झांक करके देखता है जब हम थोड़े भक्ति में आ जाते हैं और झांक करके देखता देखता अच्छा अभी सामने भक्त बैठे हुए इसलिए अभी पाप करने का अवसर नहीं है अलमारी में रसगुल्ला रखा हुआ है भोग नहीं लगा है अभी तक उसका लेकिन उसको अभी खा नहीं सकते क्यों नहीं खा सकते क्योंकि सामने भक्त बैठे हुए या तो उनको देना पड़ेगा उनको देना नहीं चाहते या फिर पूछेंगे प्रभु जी भोग लगाए क्या इसका तो फिर भोग भी लगाना पड़ेगा उसमें बंटवारा हो जाएगा इसलिए लोमड़ी अंदर चली जाती है पाप की मन रूपी लोमड़ी हमारी फिर मौका तलाशती है अच्छा अभी कोई भक्त नहीं है चलो उस गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा बातचीत कर लेते तो लोमड़ी बाहर आ जाती है हाँ भक्त लोगों से घेरे हुए बोले अभी मौका नहीं है बातचीत करने का इसलिए अभी बातचीत नहीं कर सकते लोमड़ी अंदर चली जाती है इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि हाँ आज नींद आ रही है आज सुबह सुबह मंगल आरती करने का कोई ऐसा मूड नहीं है तो फिर मन बाहर देखता है हाँ लेकिन मंदिर में रह रहे हैं मंदिर के भक्त लोगों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे दिन भर भक्तों के सामने ऐसा नहीं कर सकते सोने का पाप नहीं कर सकते उठना ही पड़ेगा उठ करके चले जाते हैं जब देखते हैं अच्छा आज तो मंदिर में नहीं बैठे हुए हम लोग आज तो मंदिर से बाहर किसी के घर में ठहरे हुए हैं और आज घर वाला भी नहीं है तो आज तो देखने वाला है ही नहीं इसलिए सीधे साढ़े सात बजे की चैतन्य शिक्षा की क्लास ले लेंगे और एक काम करते हैं सो जाते हैं आज तो फिर आदमी सो जाता है फिर सोचते हैं कि चलो एक दिन तो नींद पूरी हो ही गई दूसरे दिन भी फिर मन में आता है कोई भक्त नहीं है कोई देखने वाला नहीं है घर वाला भी नहीं है अकेले हैं चलो आज भी सो जाते हैं ऐसे दूसरे दिन भी सो जाता है तो ये मन की लोमड़ी है अंदर से मौका तलाश करके पाप कर लेती है और कभी कभी मौका तलाश करके मजबूरी में उसको भक्त लोगों के सानिध्य में रहने के कारण उसको थोड़ी भक्ति करनी पड़ जाती है ये व्यवस्था हो जाती है तो हम बीच के जीवन में ऐसा करने के लिए बाध्य हैं तो हमारी स्थिति ऐसी ही है क्योंकि हमारा चित्त बहुत गंदा है तो गंदगी निकल निकल करके बाहर आती रहती है लेकिन जब उत्तम कोटि का कोई भक्त बन जाता है तो चित्त पूरी तरह से साफ हो जाता है चेतो दर्पण मार कैसे होगा केवल संकीर्तन से होगा हमारी बस की बात नहीं भगवान सहायता कर सकते तो भगवान हर स्तर पर भक्त की सहायता करते हैं जैसे मैं बता रहा था अर्जुन की भगवान ने सहायता किया किस स्तर पर भगवान ने अर्जुन की सहायता किया संसारी दृष्टि से तो कोई व्यक्ति के दिमाग में घुसेगा ही नहीं <laughs> लेकिन यहां से हम सीख सकते हैं कि संसारी दृष्टि से भगवान इतने स्तर पर सहायता कर सकते हैं तो क्या भगवान कोई भक्त अपना चित्त साफ कराना चाहेगा तो भगवान उसकी सहायता नहीं करेंगे अवश्य करेंगे कैसे करेंगे नाम संकीर्तन के माध्यम से तो पहला फल चेतु मार्जनम दूसरा भव महापनम तीसरा श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम चौथा विद्या वधु जीवनम पांचवा आनंद अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण छठवा और सातवा सर्व ये छह फलों सात फलों को देने वाला श्री कृष्ण संकीर्तन है देखो हम हर हर रोज ही हर बात को प्रयास करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में बता दिया जाए। जैसे कि कई बार लोग नहीं जुड़ते हैं या हम स्मरण शक्ति में इतने स्मार्ट नहीं है कि हम भूल भी जाते हैं चीजों को इसलिए हर रोज ही हम इस विषय पर थोड़ा बहुत बोलने की चेष्टा करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि इन बातों को हम सब याद रखें कई बार लोग नए नए भी जुड़ते हैं इसलिए उनका भी इसमें थोड़ा सिलेबस कवर हो जाता है तो चीजें बुद्धि से दिमाग में धीरे 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 करके सुनते सुनते हमारे दिमाग में बैठ सकती है इसलिए हम इसे रोज बताते हैं और जब भी हम आठ श्लोकों के शिक्षा स्तकम को गाएं तो हमें ये सारी बातें दिमाग में बहुत अच्छी तरह से क्लिक करनी चाहिए कम से कम गाते समय और इन श्लोकों का हम अपने कंठ का हार बना सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बस हम गाएं बस तो बड़ी सरल सी बात है कि हमें कृष्ण को गाना है यही हमारे जीवन का एकमात्र उपचार है और समस्याएं बहुत हैं सात प्रकार के जो फल हैं वो समस्याओं से बाहर निकालते हुए हमें प्रदान किए जा रहे हैं समस्याएं एक नहीं है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा दम्ब कपट कितनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से कितनी समस्याएं बढ़ती चली जाती है आदि भौतिकता आधि दैविकता आधि आत्मिकता ये सब समस्याएं हैं इन सब समस्याओं का और इन सब की जड़ अगर पकड़ते चले जाओ अनंत समस्याएं हैं अनंत समस्याओं की एक ही जड़ है और वो जड़ है अविद्या और अनंत समाधान है उन समाधानों को एक ही जड़ है वो है कृष्ण को गाना बस लेकिन कृष्ण को गाने से पहले कृष्ण को सुनना पड़ेगा श्रवणम और कोई समाधान नहीं तरह तरह के संसार में समाधान है पैसा भी एक समाधान है योगा भी एक समाधान है माता पिता भी एक समाधान है सरकार भी एक समाधान है व्यवस्थाएं भी एक समाधान है हाँ पत्नी भी एक समाधान बन करके कार्य करती है बच्चे भी समाधान बन जाते हैं कई बार हम छोटे थे तो हमारे पास कुछ पैसे हमेशा से भगवान ने ऐसी कृपा करके रखा संसार में की हमें कभी पैसे के बिना नहीं रखा हमेशा ही हमारे पास बचपन से पैसा रहता था तो पिताजी के पास कई बार पैसा नहीं रहते थे तो हमसे मांगते थे तेरे पास हजार दो हजार रुपए है बोला है ले लो बोले तेरा वापस कर देंगे बच्चों से पिताजी मांग लेते थे तो उनकी समस्या का समाधान हम कई बार बन जाते थे तो इस प्रकार से हालांकि अब मैं पैसा नहीं रखता अपने पास, लेकिन फिर भी मेरे सब काम पैसे से चलते रहते हैं पहले मैं रखता था लेकिन भक्ति मार्ग में आने के पश्चात फिर मेरे को उस प्रकार से संग्रह संग्रहत्ति गुरु कृपा से मेरे जीवन से काफी कुछ चली गई है अकाउंट है मेरे पास लेकिन मेरे अकाउंट का एटीएम वगैरह मेरे पास नहीं रहता वो लूट लिया है भक्तों ने वो हमारे मुनिम लोग सब हड़प लेते हैं <coughs> दक्षिणा वगैरह कभी कई बार पैसा इकट्ठा होता तो वो लोग बैग में से निकाल के ले जाते हैं प्रभु तो जी इस चीज के लिए जरूरत ही और बिना पूछे ही निकाल लेते हैं मैक्सिमम टाइम तो इस चीज के लिए जरूरत है हम निकाल करके ले बहुत बढ़िया किया भैया तुमने मेरे से तो भगवान की सेवा हो नहीं रही थी मैं कंजूस मारवाड़ी ऐसा था कोई व्यक्ति देता है तो बैग में डाल लेता हालांकि ताला वाला तो नहीं लगाता बैग में और उसका वो लोग फायदा उठा लेते हैं ताला लगाता भी हूं तो चाबी मेरे पास नहीं रहती चाबी गुम हो जाती है मेरे से संभलती नहीं घड़ी भी मेरे से नहीं संभलती थी लेकिन फिर भी मैं घड़ी पहनता था बहुत सारी घड़ी मैंने गुम कर दी थी लेकिन एक दिन में घड़ी पहन करके महाराज के पास गया वो काफी गोल्डन घड़ी थी मैंने महाराज को प्रणाम किया क्या भैया घड़ी तो बहुत चमक रही है तेरी गोल्डन घड़ी है, है महाराज मेरे को किसने दिए किसने दी है मैं जगदीश हरी ने, ने जगदी गिफ्ट की थी अच्छा वो तेरे को गिफ्ट करता रहता मेरे को तो कभी गिफ्ट करता नहीं उस दिन से मैंने ये भी बीमारी है भैया वो घड़ी भी छोड़ दी फिर <laughs> ये सब बाहर की छोटी छोटी चीजें तो छोड़ पाए हम जीवन में लेकिन काम नहीं छूटा क्रोध नहीं छूटा अहंकार नहीं छूटा ये सब भरा पड़ा एकदम बड़े बड़े पहाड़ के रूप में है क्या कर सकते हैं ये तो भगवान ही छुड़ाएंगे तो भले छूटेगा या आप जैसे भक्त लोग दया करेंगे नित्य सानिध्य अगर कोई दे दे अब जैसे उत्तम मोहन प्रभु है अगर ये अपना नित्य सानिध्य मेरे को जीवन में दे दें तो ये बड़े अच्छे भक्त हैं हो सकता है मेरे हृदय से ये सब बीमारी चली जाए आप लोग भी अच्छे भक्त हैं ऐसा बुरा मत मानना आप लोग कि मैंने आपका नाम नहीं लिया जैसे वैष्णव सेवा प्रभु हैं या राजा रामचंद्र प्रभु हैं या शरद प्रभु हैं ये सब अच्छे भक्त हैं। लेकिन क्या करें? तो मैं बता रहा था कि ये सब समाधान है अलग अलग तरह के समाधान है बच्चे भी समाधान बन जाते हैं लेकिन समाधान हैं। सब समाधान छोटे हैं, सबसे बड़ा समाधान है वो है कृष्ण कीर्तन भगवान श्री कृष्ण को गाना इससे बड़ा और कोई समाधान है ही नहीं जिस हालत में है जैसे तैसे हैं, हम कृष्ण को गा सकते हैं कृष्ण को गाने में और सुनने में कोई अंतर नहीं अगर कोई गा नहीं पा रहा है सुन ले बस वो भी गाना ही है हाँ पुण्य श्रवण कीर्तना ये कीर्तन ऐसा है कि श्रवण करने में भी पुण्य दे देता है श्रवण करने में ऐसा नहीं कि कुछ फायदा नहीं मिल रहा है जैसे कोई संसारी क्लासेस जो सुनते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं स्कूल कॉलेज में तो उनको थोड़ी पेमेंट मिलती है सुनने के कारण लेकिन जो टीचर बोलता है उसको पेमेंट मिलती है ऐसा लगता है कि टीचर बोल करके बहुत फायदा उठा रहा है और हम सुन करके कोई लाभ ही नहीं ले रहे कब हम टीचर बनेंगे तब फायदा मिलेगा भक्ति मार्ग ऐसा नहीं भक्ति मार्ग में टीचर को भी फायदा मिलता है और श्रोता को भी उतना ही फायदा मिलता है <laughs> कई बार श्रोता को ज्यादा फायदा मिलता है और टीचर को इतना फायदा नहीं मिलता भक्ति मार्ग में अगर टीचर मेरे जैसा कपटी है तो अगर टीचर शुद्ध है सुखदेव गोस्वामी जैसा तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है श्रोताओं से भी ज्यादा फायदा मिल जाता है लेकिन अगर कोई टीचर कपटी है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है रोम हरसन सूद जी की तरह उनको एक कैसे हाँ मार दिया था बलराम जी ने बोले इसको इतना भी अकल नहीं है कि भगवान का सम्मान करना होता है मैं आया और मेरे आने पर सब लोग खड़े हो गए लेकिन ये खड़ा नहीं हो रहा अपने प्रशासन पर बैठ करके चेष्टा कर रहा है कि मैं ही धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक हूँ ये अच्छी बात नहीं है इस प्रकार से कपटी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, है हम सब गुरुजनों के निर्देशन में अगर जीते हैं तो कपटी लोगों का भी उद्धार की संभावना बनी रहती है इसलिए मुझे भी आशा है कि मुझे ऐसी परंपरा प्राप्त हुई है कि एक न एक दिन मेरा भी उद्धार हो ही जाएगा तो हम बता रहे थे कि ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे समाधान हैं कुल मिलाकर के एक समस्या है उसको कहते हैं अविद्या और उसका एक समाधान है वह है श्री कृष्ण संकीर्तन तो इसको सुन, सुनना चाहिए तो हम श्री कृष्ण के गाने का फायदा उठा सकते हैं और ये सात फलों को प्राप्त करके कृतार्थ हो सकते हैं इसके पश्चात दूसरे हाँ, श्लोक की चर्चा चल रही थी नाम नामकारी निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नामकारी भगवान ने अपने नामों में उन उन नामों में उन उन स्वरूपों की सारी शक्तियां अर्पित कर दी और इतनी दया भगवान की कि इसको सारे संसार के लोगों के लिए ऐसा उपलब्ध कराया कि इसमें कोई नियम कानून नहीं नियमित स्मरण न काला अब देखो स्मरण कैसे होगा स्मरण पहले श्रवण होगा फिर कीर्तन होगा फिर स्मरण होगा भक्ति की यही सीलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जब स्मरण का कोई नियम कानून नहीं है किसी भी परिस्थिति में हम स्मरण कर सकते हैं तो क्या सुन नहीं सकते सुबह हो हो शाम हो दोपहर शाम रात्रि हो किसी भी समय हम सुन सकते हैं और किसी भी समय कृष्ण को गा सकते हैं ऐसा नहीं कि सुबह ही क्लास ले सकते हैं शाम को ही क्लास ले सकते हैं दोपहर में नहीं ले सकते रात को नहीं ले सकते किसी भी समय सारी रात पितामह भीष्म माता सत्यवती के कक्ष में जबकि माता सत्यवती उन्हीं की उम्र की थी और संसार में प्राय संसारी व्यक्ति जैसे होते हैं ना तो उसी दृष्टि से चीजों को देखते हैं। तो भीष्म अपने पिता के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था इतना बड़ा त्याग किया था कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का उन्होंने प्रतिज्ञा किया ऐसी कठोर प्रतिज्ञा जिसकी वजह से आ, उनका नाम भीष्म पड़ गया जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली तो आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा किया वो साधारण नहीं थे उनकी प्रतिज्ञा कितनी भीष्म थी कितनी दृढ़ थी ऐसे लोग बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं तो पिताजी का उम्र काफी हो गया था और पिताजी आकर्षित हो गए थे आ, नाविक की बेटी सत्यवती की ओर जो कि मत से गंदा थी बड़ी सुंदरी थी और मछली के पेट से पैदा हुई थी इसलिए उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी दूर दूर तक वो मछली की दुर्गंध उसके शरीर से आती थी तो हम सब जानते हैं कि उनकी ओर जब आकर्षित हो गए और उसको योजन गंधा बना दिया था पराशर मुनि ने क्योंकि पराशर मुनि ने उन्हीं के गर्भ से वेद्यास जी को भी प्रकट किया था और फिर वो आकर्षित हो गए तो उनका विवाह पितामह भीष्म ने करवाया कि आप विवाह कर दो तो बहुत कम उम्र की थी और सत्यवा ये शांतनु महाराज जो उनके पिता थे पितामह भीष्म काफी उम्र के थे उम्र अधिक होने के कारण आखिर में शांतनु महाराज शरीर छोड़ करके चले गए लेकिन माता सत्यवती जवान थी जवान मतलब जैसे वैसे ही हो जाता है एक प्रकार से सौतेली कम उम्र की आ जाती है तो अब उनकी तो उनमें मात्र बुद्धि है लेकिन जवानी व्यक्ति को विवश करती है भोगों में जाने के लिए उस जवानी के कारण कहीं माता के हृदय में काम विकार जागृत ना हो जाओ ना क्या हो जाओ होना तो है ही बोले उसका समाधान क्या है बोले उसका एक ही समाधान है वो है कृष्ण चर्चा और कोई समाधान नहीं कृष्ण को गाना अब देखो हम सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं अगर हमारे जीवन में ये कृष्ण चर्चा नहीं आई होती भक्तों की संगति में भगवान की लीला कथाएं नाम आदि अगर ये सब भक्ति के जो छह अंगे नाम रूप गुण लीला धाम जन अगर हम इसके संसर्ग में नहीं आते तो आज हमारी वर्तमान में काम की दशा क्या होती हम कितने पागल थे पहले और वर्तमान में क्या हम कम पागल होते उल्टा और ज्यादा पागल होते काम हमें बहुत नीचे स्तर पर लेकर के चला जाता लेकिन जब से हमने केवल श्रवण कीर्तन आदि छह अंगों का पालन किया क्या हमारे हृदय में काम को भगवान ने मत नहीं दिया क्या काम को भगवान ने नष्ट नहीं किया हम पाएंगे कि हमारा काम काफी मात्रा में कम हो गया है खत्म तो नहीं हुआ होगा हो सकता है आप लोगों में से किसी का हो भी गया हो लेकिन मेरा तो बहुत थोड़ा सा कम हुआ है बाकी तो भरा हुआ है अभी भी कम नहीं लेकिन कम हो जाता है ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हम, हम सब का अनुभव है कि नाम संकीर्तन से नाम संकीर्तन मतलब कथाएं भी आ जाती है उसमें ध्यान रखना इस बात को कृष्ण को गाना कीर्तन के रूप में गाओ कथा के रूप में गाओ लीला के रूप में गाओ रूप के रूप में गाओ गुण के रूप में गाओ धाम के रूप में गाओ उनके भक्तों के रूप में गाओ कैसे भी कोई कृष्ण को गाता है तो उसका काम मथित होता है नष्ट होता है तो ये बात की चिंता पितामा भीष्म को होती थी कि मेरी माँ है जवान है लेकिन इनके हृदय में काम तो इनको बड़ा परेशान करेगा क्योंकि पिताजी है नहीं अभी रात्रि के समय में और ज्यादा काम उठाता है तो क्या करते थे के कक्ष में जो कि रनिवास होता है जहां केवल रानी ही रह सकती है वहां बेटा जा सकता है तो ये तो पुत्र बन करके चले गए और इनके भाई को सिंहासन पे बिठाया गया था चित्रांगद जी को तो जो सत्यवती के पुत्र थे उनके भी दो बेटे हो गए थे विचित्रवीर और चित्रांगद तो उन दो बेटों में से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया गया था छोटे छोटे बच्चे थे वो और ये अपने आप में जवान थे लेकिन इन्होंने एक और प्रतिज्ञा ली थी कि राज सत्ता पर तो माता सत्यवती के पुत्र बैठेंगे मैं नहीं बैठूंगा तो इनके संरक्षण में वो छोटा से जो अवस्था के चित्रांगत थे बहुत ज्यादा छोटी अवस्था भी नहीं थी एक प्रकार से किशोरा थी और राजपाट कर रहे थे तो ये सारी रात माता के के कक्ष में अकेले जाकर कथा सुनाते थे माता ऊपर बेड पर, बैठ पर बैठी रहती थी और ये नीचे बैठ करके पुराणों की शास्त्रों की कृष्ण की कथा सुनती थी तो क्या हुआ अः दुष्ट लोग तो सर्वत सर्वत्र होते हैं जो अपनी दुष्टता में बहुत आनंद मनाते हैं <laughs> और ये आनंद व्यक्ति बड़े उत्साह से मनाता है तो हमारे विषय में भी किसी माता ने शिकायत लगाया तो जैसे हमें ये कपड़ा मिला तो माता फोन करके कहते बधाई हो बधाई हो बधाई हो लाल कपड़ा उतर गया सफेद कपड़ा मिला उससे किसी भक्त ने फोन पर बात किया तो माता एकदम बड़ी खुश होकर के बोले बधाई हो तो व्यक्ति आ, बोले मेरे को किचन से निकाला था किचन में वो झगड़ा करते थे तो मजबूरी में बाकी भक्त लोगों ने परेशान होकर के बोले मेरे को किचन से निकाला ना मैंने बोला मैं एकदम चमड़ी निकलवा दूंगी और मैंने आखिर में उतरवाई दिया देखो तो मैं सुन रहा था कल लोग ने मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दी किसी दोस्त भक्त ने भेजना नहीं ये ऐसे तो उसने भेजा मेरे को तो मैं उसको लगता था देखो अंदर से लग रहा था कितनी बदले की भावना बोले देखो मैंने आखिर में सैफ्रन उतरवाई दिया और और एक दो बिहारी थे बोले मैंने ये भी संकल्प लिया था मंदिर से सारे बिहारियों को मंदिर से बाहर करवा दूंगी आखिर में मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई तो वो बड़ी प्रसन्न हो रही थी माता और देखो संसार में ऐसे भी जीव हैं कि किसी के लिए भला करो वो उसको याद नहीं रहता लेकिन बोले मेरे को किचन से निकाल कैसे दिया मतलब तुम भक्तों के साथ झगड़े भी करते रहो भक्तों को परेशान भी करते रहो तुम्हारे ऊपर कोई शासनिक कार्यवाही भी नहीं होनी चाहिए तो बोले वो मेरे को शब्द चुपते रहते हैं कुछ इस प्रकार की वृत्ति हम लोगों के अंदर प्राय पाई जाती है और फिर हम उस हिसाब से षड्यंत्र रचना चालू कर देते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो दुष्ट लोग भी थे जो कि पितामह भीष्म की ताकत से चिढ़ते थे पितामह भीष्म साधारण नहीं थे उन्होंने अलग अलग गुरुओं से दीक्षा शिक्षा ली थी थी परशुराम जी के शिष्य थे उन्होंने धनुर्विद्या वहां से सीखी थी। गुरु बृहस्पति से उन्होंने बड़े सारे शास्त्रों की शिक्षा सीखी थी तो साधारण नहीं थे लोग चिड़ते थे तो उन्होंने जाकर के राजा की गद्दी पर चित्रांगद बैठे हुए तो राजा को जाकर के बोला पता है बोले क्या ये जो पितामा भीष्म है ना ये जो पितामा तो उस समय तक नहीं कहे गए थे जो राजकुमार भीष्म है ना ये भ्रष्ट है घोर कामी है और इतना कामी है इतना कामी है कि अपनी जो माँ है ना सौतेली माँ उसके साथ भी इसके अवैध संबंध है अन्यथा रात को उसके कमरे में जाने का क्या मतलब है <laughs> सीधा एक ही दृष्टिकोण रात को कमरे में जाने का क्या मतलब है <laughs> अब उनकी वो महानता उसे दिखाई नहीं दे रही है कि भाई राज, राज, को, राज को वहां करते क्या हैं लेकिन चित्रांगत भी बच्चे तो थे ही थोड़ा सा बातों में आ गए लेकिन सीधा सीधा ब्लेम नहीं लगाया उन्होंने राज गद्दी पर बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या किया परीक्षा लिया और परीक्षा कैसे लिया कि एक झरोके से उन्होंने खुद ही जाकर के देखा कि रात को आ, होता क्या है इस कमरे में देखें जरा और राजा है उनको तो कोई रोक टोक होती नहीं पहरेदारों से अंदर वहां झरोखे तक पहुंच गए थे जहां उन्होंने छुपके से दिन में एक झरोखा बनवा दिया था उस कक्ष में तो से उस कक्ष की सारी क्रियाकलाप देखे जा सकते तो माता अब माता माता अब के भाव में रहती थी और ये पुत्र भाव में रहते थे लेकिन से दूसरा भाव था कि मेरे को माता को काम से बचाने एक एक बच्चा प्रकार से दोनों जवान है और जवान पुरुष है लेकिन उनका संबंधिक दृष्टि है कि ये मेरी माँ है और मेरे को माँ की सेवा करनी चाहिए कैसे सेवा माँ के हृदय में काम जागने नहीं दूंगा सबसे बड़ी बीमारी तो यही है तो अविद्या तो किसी को समझ में आती नहीं अविद्या से बढ़कर अविद्या के बाद दूसरी गांठ होती है उसे अहंकार कहते हैं और उसके बाद तीसरी गांठ होती है उसे काम कहते हैं काम से हम सब पीड़ित हैं ये हमें जरूर बात समझ में आती है अहंकार भी हमें नहीं दिखाई देता और अविद्या भी नहीं दिखाई देती इसलिए गीता में भगवान ने काम को ही विशेष रूप से जड़ बता दिया तो संसारी दृष्टि से तो यहाँ काम दिखाई दे रहा है लेकिन पितामा भीष्म की भावना का स्तर बहुत ऊंचा था तो पितामह भीष्म हाँ, वहां बैठ करके उनको नीचे बैठे हुए हैं और उनकी माँ वहां पर बैठ के कथा सुन रही है और से देख रहे हैं क्या हुआ प्राय श्रोता लोग सो जाते हैं जल्दी फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो चाहे सब हो वो भी सो जाते हैं और फिर माता पिता के रूप में अगर संबंधी हो तो फिर तो उसको आप जबरदस्ती सुना ही नहीं सकते कई बार मैं भी अपने पिताजी को पकड़ पकड़ के कथा सुनाता था, था। और जैसे ही कथा चालू करता था एकदम से नींद आ जाती थी और जैसे ही पैसे की लेन देन की खेती बाड़ी की संसार की चर्चा करता था एकदम से आधी रात में से भी जाग जाते थे व्यक्ति <laughs> तो की रुचि पर निर्भर करता है श्रोता लोग तो ज्यादातर सो ही जाते हैं और माता पिता को तो फिर आप जगा ही नहीं सकते और फिर क्या करते हम्म बोल तूने कथा बंद क्यों कर दी मेरे को सुनाई दे रहा है बोल मैं बोला क्या बोला था मैंने हाँ वो पता नहीं थोड़ी सी झपकी लग गई थी लेकिन तू कथा सुना फिर भी मेरे को मजबूरी में कथा पूरी करनी पड़ती थी <laughs> जब मेरे को पता था नहीं सुन रहे लेकिन पिताजी आगे तो क्या करें सुनाना पड़ता था तो यहाँ माँ है तो माँ ऊपर बैठी हुई है कथा सुनाने वाला नीचे बैठा हुआ है और नीचे से वो कथा सुना रहे तो माँ माँ के अधिकार से हाँ बेटा अब थोड़ा सा मैं कमर सीधी कर ले तू बैठे बैठे थक तू कथा सुनाता रहे तो माँ थोड़ी सी लेट नहीं लग गई और लेट नहीं लग गई तो फिर धीरे धीरे सोई गई वो पूरी तरह से अभी चित्रांग जी देख रहे हैं अच्छा ये तब से यहाँ बैठ करके कुछ गप्पे मार रहा है और ये इंतजार कर रहा है कि कब ये सो जाएगी और जब ये सो जाएगी तब मैं झपट्टा मारूंगा तब मैं भोगों में लगूंगा और इस प्रकार से मौके का फायदा उठाऊंगा तो उस व्यक्ति की बात याद आ रही चित्रांगद को कितनी सही बात बोली थी बिल्कुल इसके हृदय में काम है तब से मौके की तलाश कर रहा था और अब उसने और ज्यादा अंदर झरोखे में खोपड़ी घुसा दिया और खोपड़ी घुसा करके और अच्छी तरह से देखने गया लेकिन अब क्या हुआ माता करवट लेने लगी तो जब माता करवट लेने लगी तो अब मां का तो भाव है जब माँ करवट ले रही है तो ब्रह्मचारी व्रत की भी रक्षा करनी है ऐसे ऐसे थोड़ी ब्रह्मचारी थे हम जैसे कपटी ब्रह्मचारी नहीं थे वो तो सच्चे ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने सोचा कि इस माता को मैं छू भी नहीं सकता लेकिन माँ अगर नहीं छुआ मैंने तो माँ गिर जाएगी नीचे और उस समय में पुत्र धर्म का उल्लंघन हो जाएगा माँ को गिरने कैसे दे सकता हूँ तो माता करवट ले रही है और उनको पता नहीं कि यहाँ बेड खत्म हो चुका है क्योंकि माता नजदीक में सोकर के सुन रही थी और वहीं उसको अच्छी नींद आ गई और उसी साइड में वो करवट लेने लग गई और उसी साइड में, में बैठे हुए हैं और उसी साइड में जब करवट लेकर के गिरने जा रही है तभी जैसे ही वो हिली और उनका पैर नीचे की ओर आने लग गया तो इतनी देर में सोच रहे क्या करूं क्या करूं माँ गिर जाएगी और स्पर्श भी नहीं कर सकता तो क्या किया उन्होंने अपना सिर माता के शरीर से स्पर्श करा दिया और सिर लगा दिया वहां और सिर लगा करके उनके शरीर को गिरने से बचा लिया और जैसे ही सिर लगाने जा रहे थे चित्रांगद दे, देखा स्पर्श कर लिया <laughs> स्पर्श कर लिया लेकिन फिर देखा ऐसा ही स्पर्श किया लेकिन आगे और कुछ गलत कार्य नहीं किया और वो सारी रात झरोके से देखते रह गए आखिर में वो समझ गए ये महापुरुष हैं आखिर माता सत्यवती के गर्भ से वो भी बालक कोई ऐसे ज्यादा बुद्ध नहीं थे लेकिन इतने भी वो नहीं थे लेकिन हमसे तो भैया लाख गुना अच्छे थे तो दूसरे दिन फिर राज दरबार में पितामह भीष्म आए राज दरबार लगा तो राज दरबार में पितामह भीष्म को पूछा गया क्यों को सलाहकार बन ये बात पितामा भीष्म को पता नहीं थी कि इसने झरोखे से ये सब चीजें देखा है तो पितामा भीष्म से उन्होंने सलाह लेते तो पूछा कि अगर किसी महापुरुष के प्रति अगर हमारी गलत धारणा बन जाए और हम ऐसा 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 सोचें कि व्यक्ति व्यक्ति है है गिरा हुआ है, और हमारे मन में गलत विचार आ जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है बहुत बड़ा प्रश्न किया उन्होंने इसका प्रायश्चित क्या है तो पितामह भीष्म ने बोला कि अगर वो सच में ही महापुरुष हैं बड़े महापुरुष हैं बोले हाँ बहुत बड़े महापुरुष हैं <laughs> तो बोले ऐसे महापुरुष के प्रति अगर ऐसी कभी भावना आ जाए तो उसका तो एक ही प्रायश्चित होता है कि उस व्यक्ति को अपने प्राणों का अंत कर देना चाहिए उनकी जानकारी नहीं थी चित्रांग जी इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने राज्य छोड़ दिया और राज्य छोड़ करके ब्रज में आए और आकर के उन्होंने अपने शरीर को अग्नि से दाह करके नष्ट कर दिया और भगवान की प्राप्ति की प्रश्न किया ये कितनी बड़ी बात थी मेरे को यह घटना इसलिए याद आई क्योंकि मैं बता रहा था कि कृष्ण को गाना और कृष्ण को सुनना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है कृष्ण को गाना और सुनना बोले ये सारे काम को नष्ट कर सकता है काम को ही नहीं देगा अगर हम नित्य रूप से कृष्ण को गाते रहे सुनते रहे और उसमें भी ऐसी सुविधा कि किसी भी समय कोई व्यक्ति गा सुन सकता है बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरण न काला इसमें कोई भी किसी प्रकार का नियम है ही नहीं कोई अपेक्षा ही नहीं अरे पांचवी कक्षा में भी एडमिशन लेना तो दूर की बात पहली कक्षा में भी एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन शो करनी पड़ती है माता पिता को जबरदस्ती उसको पाठ पढ़ानी पड़ती है बेटा ए टू जेड तो कम से कम याद कर ले ए बी सी डी वन टू थ्री याद कर ले इतना कंपटीशन आ गया पहली यूकेजी एलकेजी के लिए भी बच्चों को डोनेशन देना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती है और दसवीं बारहवीं आगे चल, चलते चले जाओ तो फिर दुनिया भर के मार्क्स लगते हैं इतना परसेंटेज है क्या इतना पैसा है क्या कितनी रिक्वायरमेंट होती है कितनी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं और भगवान ने नाम के लिए इस कृष्ण को गाने के लिए कृष्ण को सुनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा ये नहीं ये कथा नहीं सुन सकता वो कथा सुन सकता है इसलिए मंदिर में किसी को मना नहीं किया जाता कोई कितना भी व्यक्ति हो अगर किसी को कोई मंदिर में आने के लिए मना कर देता है भक्ति के लिए मना कर देता है बहुत बड़ी ना समझी है कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति भी मंदिर में आ सकता है और उसको हमें सहायता करनी चाहिए हालांकि वो नुकसान हमें पहुंचा के जा सकता है अगर चोर व्यक्ति हो ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मैं निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा करके भी जा सकता है और कई सारे लोग इस प्रकार से करते हैं हमारे गुरुकुल में कई सारे ऐसे-ऐसे बच्चे आए जिन्होंने अच्छी खासी चोरी कर ली <laughs> लेकिन फिर भी गुरु कृपा से मेरा मन नहीं मानता और मेरे को पहले से पता होता है ये चोर है और घर से ही पैदाइशी चोर है इसके खानदानी चोरी इसके रो, रोम रोम में बसी पड़ी लेकिन मैं सोचता हूँ भाई सुधरने का और जगह कौन सी दुनिया में अगर इसे अगर हमने आज शेल्टर नहीं दिया तो ये देश के लिए और बड़ी बड़ी चोरियां करेगा वहां फिर जेल में जाएगा सड़ेगा वहां जेल में भी परेशान करेगा आज इसको सुधारने का प्रयास किया जा सकता है कल सरकार जेल में सुधारेगी हम भी सरकार के नागरिक है घर से साधु जीवन में हमारा भी उत्तरदायित्व होता है इसको सुधारा जाए तो कई बार ऐसे बच्चों को रख लेते हैं और उसके चलते मेरे को बच्चे लोगों से बाकी भक्तों से बहुत गालियां भी सहनी करनी पड़ती है क्या प्रभु जी आप किसी को भी बस धर्मशाला बना करके रख लेते हो और बाद में फिर भुगतान ऐसा, ऐसा ऐसा करना पड़ता है देख लो आप कैसा हो रहा है एक आलू बोले बाकी लोगों को भी सड़ा देता है ऐसा भी होता है तो बड़ा धर्म संकट का विषय हो जाता है कई बार खैर जो भी भक्त लोग जैसा भी लेकिन आखिर में हाँ अपनी समझ से भक्त लोग अपना अपना निर्णय लेते हैं वो सब भक्त लोग ठीक है हम किसी की निंदा नहीं करते लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बड़ी बात कृष्ण नाम है सबको कृष्ण नाम का मौका अवश्य मिलना चाहिए अगर हमारा विश्वास कृष्ण नाम में है तो प्रभुपा जी ने चोरों को भी शेल्टर दिया एक चोर प्रभुपा जी के आश्रम में आ गए थे तो क्या प्रभुपा जी को पता नहीं चलता था रेड लाइट पर चोरी करते थे और उनके पिता कौन माँ कौन ये भी उनको पता नहीं था और वो आकर के प्रभुपा जी का कहीं प्रवचन करते हुए प्रभुपाजी के हाथ में घड़ी देखी बहुत महंगी घड़ी पहनते थे लोग गुरु की सेवा करते थे तो ले लेते थे, थे तो वो घड़ी को देख कर आगे मेरे कोई घड़ी चुरा नहीं है और प्रभुपा जी के कमरे तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतना विश्वास पात्र अपने आप को बनाया और प्रभुपा जी के कमरे में पहुंच गए अंदर पहुंचे प्रभुपा जी को प्रणाम किया अब जैसे प्रणाम करके ऊपर उठे प्रभुपा जी ने घड़ी खोल करके उनके हाथ में पकड़ा दी ये लो तो जी की ओर देख रहा है प्रभुपाद उसकी ओर देख रहे हैं बोले प्रभुपाद क्या मतलब बोले तुम इसी के लिए तो आए थे ये लो ये घड़ी ले लो एक संत कैसे होते हैं प्रभुपा जी कहते हैं माई सोसाइटी फॉर सोल्स और यही कारण है कि गुरु महाराज भी प्रभुपा जी के सच्चे शिष्य हैं सच्चे संत हैं और गुरु महाराज भी यही हमेशा मेरे को हमेशा यही स्टोरी आ, के विषय में दो तीन स्टोरी है जो हमेशा ही गुरु महाराज मेरे को सुनाते हैं और मेरे को हमेशा कहते हैं सोसाइटीज फॉर फॉलन सोल्स और मैं अपने जीवन से भी अनुभव करता हूँ कि गुरु जी कैसे सच्चे संत है की मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने शरण दे रखी है इसका मतलब वो इस पर कितने खरे उतर रहे हैं जो प्रूपा जी का सिद्धांत है कि मेरे जैसे पतित आत्मा को भी उन्होंने शरण दे रखी है कुल मिलाकर के हम ये कह रहे थे कि नाम के लिए भगवान ने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा हर व्यक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कर सकता है और करने से क्या होगा उसके हृदय में सात फल प्राप्त हो जाएंगे उसको आनंद का समुद्र मिलेगा उसके जीवन में प्रतिपदम प्रति पूर्ण अमृत उसे चखने को मिलेगा ये तो सिद्धावस्था के फल हैं ये सिद्धावस्था के फल उसको चखने को मिलेंगे हजार सिद्धार्थ था कि फल चखने को मिल रहे भैया एक संसारी जो काम है वो इतना अनुराग पैदा कर देता है कि पागल कर देता है संसारी विषयों के प्रति अरे छोटी छोटी चीजों के प्रति व्यक्ति पागल हो जाते हैं एक मोबाइल से इतनी अटैचमेंट हो जाती है इतना अनुराग हो जाता है कि व्यक्ति मोबाइल लेने के लिए बहुत सारे एप्पल का मोबाइल लेने का ऐसा क्रेज आ जाता है कई बार लोगों के अंदर के आ, वो वाली बात है ना कि घर में नहीं ये दाने और बने नहीं चली भुजाने ये कहावत है कि घर में दाने तो है नहीं लेकिन भाड़ पर ले जाकर के कुछ चीजों को लेकर के जा रहे हैं तो वही भाड़ चल रहा और उसमें चने भुना करके ले आते हैं या गेहूं भनवा के ले आते हैं या बाजरा भंग करके ले आते हैं पहले गाँव में ऐसे भाड़ चलते थे हमारे यहाँ भी भाड़ चलता था और घर से इस प्रकार से भुनवाने के लिए लोग जाया करते थे आजकल तो सब ठेले वाले बेचते हैं कि भाई मक्की को आपको मक्की का जो भून करके बनाया जाता है पॉपकॉर्न सब रेडीमेड उठा लेते हैं तो घर में कुछ है नहीं और वो बनाने के लिए इच्छा कर रही है ऐसे ही पैसा है नहीं और एप्पल का मोबाइल चाहिए लोगों को क्या करते लोग किडनी तक बेच देते हैं ऐसे ऐसे केसेस किडनी बेच दिया लोगों ने मोबाइल को पाने के लिए कितना अनुराग है एक मेरी बहन है उसको चिप्स कुरकुरे इतने पसंद है बचपन से उसने केवल चिप्स कुरकुरे मारे हैं और चिप्स कुरकुरे खा करके उसको कुछ मत दो रोटी वगैरह कुछ मत दो बस चिप्स कुरकुरे दे दो उसको और छोटी मोटी नहीं अब ग्रेजुएशन कर लिया उसने उस अवस्था में भी चिप्स कुरकुरे से उसका पीछा नहीं छूटता इतना अनुराग उसका, उसका उसमें और उल्टी करती रहती है अभी तो दो दिन से बेचारी एडमिट है उसका लीवर पे सूजन आ गया है

अज्ञानता के कारण काम के कारण जब कृष्ण प्रेम जागृत होगा तो उसमें कितना अनुराग होगा क्या नहीं मिल और सब चीजों की जड़ है पैसा पैसे से मिल जाता है तो पैसे में हर चीज का हर व्यक्ति का अनुराग है ऐसे ही संसार के आध्यात्मिक सुख को देने की जो जड़ है वो है कृष्ण नाम नाम धन है ये जैसे पैसा धन है गांधी छाप बंडल ऐसे ही नाम रूपी धन है तो नाम रूपी धन में कितना सकते कल्पना नहीं कर सकते इतना नाम में अनुराग होना चाहिए और होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है मैंने गुरु महाराज को देखा रात रात भर जब करते रो रो के जब करते हैं महाराज को कहा महाराज कम से कम मानसो मेरी माला भी मेरे हाथ से माला माला रात क्यों उनको तो बोले हमारे जीवन में में दुर्दैवी न अनुराग मेरे जीवन में अनुराग क्यों नहीं आ पाया बोले दुर्दैव है कुछ तो भी दुर्भाग्य है कुछ तो भी क्या दुर्भाग्य एकमात्र दुर्भाग्य है वो है नाम अपराध और कोई दुर्भाग्य नहीं और कोई दुर्भाग्य नहीं इतने नाम अपराध बोले मात्र दस नाम अपराध है ज्यादा नहीं अपराध क्या करते राध मतलब प्रेम और अप मतलब उल्टा कर देना अपगति तो अपगति प्रेम में भगवान की ओर जाने में हो जाए बोले वो अपराध है दूसरा राध मतलब राधा रानी भी है राध मतलब प्रेम भी है और राधा रानी प्रेम की तो पराकाष्ठा है बोले राधा रानी के प्रति व्यक्ति उल्टा हो जाता है राधा रानी के प्रति उल्टा कैसे हो जाता है बोले राधा रानी को कृष्ण नाम इतना प्यारा है उस कृष्ण नाम के जपने से अगर कोई व्यक्ति उस नाम के प्रति कोई गलती करता है तो राधा रानी उसको फिर प्रेम से वंचित कर देती फिर उसको प्रेम से दूर भगा देती ना चाहते हुए भी हर व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है लेकिन उस प्रेम से उसे दूर भागना पड़ता है उसके जीवन में अपगति हो जाती है क्यों अपगति हो गई कुछ गड़बड़ कर दी हमने भगवान के नाम के प्रति जो राधा रानी को भगवान का नाम बहुत प्यारा लगता है तो उस नाम नाम के प्रति क्या गड़बड़ियां हैं जपने वाले व्यक्ति को क्या सावधानी रखने की जरूरत है बोले उसको ये दस प्रकार की सावधानी रखने की जरूरत है जो कि दस प्रकार के नाम अपराध कहे जाते हैं अगर हम इस सावधानी को रखेंगे तो हमारा अपराध खत्म हो जाएंगे और हमारा दुर्दैव ये सुदैव बन जाएगा जैसे दुर्योधन सुधो सुयोधन था पहले लेकिन वो सुयोधन से आगे चल के दुर्योधन बन गए हम लोग आज पहले से ही दुर्दैव को प्राप्त है पहले से गड़बड़िया करते हम अपने जीवन में क्या ला सकते हैं जैसे सुयोधन से दुर्योधन बन गया ऐसे हम दुर्दैव से सुदैव अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं बदलाव किसी का भी हो सकता है हर जितने भी संत हैं उनका पूर्व में गंदा इतिहास रहा है कई बार कुछ संतों का कुछ जन्मजात संत होते हैं जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु हैं और कुछ मेरे जैसे दुष्ट होते हैं जो संत बनने का नाटक करते हैं तो पूर्व में तो दुष्ट रहे होते हैं और वर्तमान में भी उनकी दुष्टता चलती रहती है वर्तमान में भी ऊपर से केवल कलर बदला है जब बदल जाएगा तो धीरे धीरे फिर संत बन पाएंगे लेकिन होप है आशा है गुरुजन आशा है प्रभुपाजी आशा है ये संस्था आशा है महाप्रभु आशा है जिन्होंने चैतन्य शिक्षा के नाम से हमें अष्टकम दिया और इस अष्टकम में ही सारे शास्त्रों की शिक्षा है कुछ अलग नहीं है इस अष्टकम का ही सिलेबस अगर हम चलाना चाहें तो अनंत काल तक तो चला सकते हैं <laughs> अनंत काल तक तो यही सिस्टम चलता रहेगा केवल शिक्षा अस्तकम ही चल रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है अभी हम नाम अपराध तक हम पहुंच गए थे आज तो नाम अपराध में हम आगे बढ़ ही नहीं पाए हर रोज थोड़े बहुत बढ़ जाते थे लेकिन आज बेसिक में ही समय चला गया और हम आगे नहीं बढ़ पाए थोड़ी कथा एक दो याद आ गई महाराज की कथा याद आ गई एक तो और एक पितामह भीष्म वाली कथा याद आ गई इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए हम तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं लेकिन इसको और अच्छी तरह से बिठाना हम सबके लिए जरूरी है हम नाम जपने में जो दस प्रकार की गलतियां हैं जिसमें हम हाँ, तकरीबन पांच प्रकार के अपराधों का ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं कल थोड़ा सा स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए श्री चैतन्य शिक्षा श्रतम की जय जगत गुरु श्री प्रभुपात की जय श्री गुरु महाराज की जय कोटि वैष्णव वृंद की जय आप सब भक्तों की जय जयकार हरे कृष्णा